Hello everyone. In this lecture, we will discuss about internal mechanism of execution of a C program. So without wasting the time, let's start. So सबसे पहले हमें जो editor होता है उसके अंदर हम C का code करते हैं. तो उसको जब हम save करते हैं तो उसका extension होता है .c. तो जो C का जो source code होता है उसका extension .c होता है. तो उसके अंदर मैंने suppose code कर रखा है, सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा है एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म नाम से. तो इस मैसेज को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ और इस कोड को मुझे कंपाइल करना है. तो सबसे जो सबसे पहले इनिशियल पेज आती है उसे हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग पेज. प्री प्रोसेसिंग पेज के अंदर कंपाइलर जो होता है वो इन्वोक करता है प्री प्रोसेसर को. और प्री प्रोसेसर क्या करेगा कि जो डायरेक्टिव है जो स्टार्ट होती है सिंबल से उनको रिमूव कर देगा, लेकिन उनका जो वर्क है वो रिकॉग्नाइज करके रखेगा. तो सपोज जैसे यहाँ पर हैश इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच है, तो इस लाइन को ये रिमूव कर देगा प्री प्रोसेसर, लेकिन इसका वर्क जो है ये इसे रिकॉग्नाइज रहेगा तो आगे इसे ये यूज करेगा. तो प्री प्रोसेसर फिर इंटरमीडिएट फाइल बनाता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट टेम्प या डॉट आई. तो इसके अंदर डायरेक्टिव रिमूव कर दी जाती है लेकिन रिमेनिंग कोड एज इट इज रहता है. फिर नेक्स्ट पेज आती है हमारे पास कंपाइलेशन पेज. कंपाइलेशन पेज के अंदर कंपाइलर जो होता है वो एक इंटरमीडिएट कोड मशीन कोड बनाता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओबीजे. तो ये बाइनरी फॉर्म में चेंज कर देता है सोर्स कोड को, लेकिन इसके अंदर जो रेफरेंसेज होते हैं वो अनडिफाइंड होते हैं. रेफरेंसेज से मेरा मतलब ये है कि सपोज मैंने यहाँ पर मैसेज दिया प्रिंटेप, तो प्रिंटेप डिफाइंड है स्टूडियो डॉट एच के अंदर, तो वो तो प्री प्रोसेसर ने रिमूव कर दी और उसका जो वर्क है इसने पहले से कंटेन करके रखा है. लेकिन इसका जो रेफरेंस है वो होता है लाइब्रेरी फाइल के अंदर, तो लाइब्रेरी फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट एल आई बी. तो फर्दर लिंकिंग फेज आती है हमारे पास जिसके अंदर जो लिंकर होता है वो जो कंपाइलर ने डॉट ओबीजे फाइल बनाई है और जो डॉट एल आई बी फाइल है उसका कॉम्बिनेशन बनाता है और एक फाइनली मशीन कोड बनाता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट ई एक्स सी. तो डॉट ई एक्स सी स्टैंड फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल. तो यही फाइनल हमारे पास मशीन कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है जिसे हम रन करवाते हैं. सो हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले हम सोर्स कोड को राइट करते हैं और सेव करते हैं उसे डॉट सी एक्सटेंशन के अंदर. फिर जो प्री प्रोसेसिंग फेज आती है तो उसके अंदर प्री प्रोसेसर जो कि इन्वोक होता है कंपाइलर के जरिए, तो वो डायरेक्टिव को रिमूव कर देता है और एक इंटरमीडिएट फाइल बनाता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट टेम्प और डॉट आई. फिर कंपाइलिंग फेज आती है. कंपाइलिंग फेज के अंदर कंपाइलर इंटरमीडिएट मशीन कोड बनाता है जिसके अंदर रेफरेंसेज नहीं होते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओबीजे. फिर फर्दर लिंकर जो होता है वो लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करता है डॉट ओबीजे फाइल्स के साथ और एक फाइनल कोड बनाता है डॉट ई एक्स सी कोड जो कि एग्जीक्यूटेबल कोड होता है. तो यही कोड जो होता है जिसे हम रन करवाते हैं. ये थी गाइज इंटरनल मैकेनिज्म किस तरह से एक सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. डायरेक्ट हम रन करवा लेते हैं लेकिन इंटरनल मैकेनिज्म ये होती है, काफ़ी सारी इंटरमीडिएट फाइल्स बनती है और काफ़ी मेमोरी कंजप्शन होता है. So thank you guys for watching the video. I hope you like the video. So thanks a lot.